हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिंग्विस्टिक साइन। इट इज अ थियोरी प्रपोज्ड बाय फर्डिनेंड डी सोसियर। सो फर्स्ट लेट अस नो हु इज फर्डिनेंड डी सोसियर। पहले हम जानेंगे कि फर्डिनेंड डी सोसियर है कौन। ये एक लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट मतलब अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस, जिसे बहुत सारे लैंग्वेजेस का नॉलेज हो, उसे कहते हैं लिंग्विस्ट। ये सेम्योटिशियन भी है। सेम्योटिशियन मतलब जो सेम्योटिक्स पढ़ा होता है। अब सेम्योटिक क्या है? स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल। साइन और सिंबल के स्टडी को बोला जाता है सेम्योटिक्स। एंड ऑल्सो ही वॉज फिलोसोफर। सो फ्रेंड, सोशियर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक साइन। लिंग्विस्टिक मीन्स रिलेटिंग टू लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड चीजों को लिंग्विस्टिक कहा जाता है। एंड साइन मीन्स एनीथिंग दैट शो अ डिफरेंट लेवल ऑफ मीनिंग, मतलब कोई भी चीज हम सुनते हैं या देखते हैं, उससे रिलेटेड हम अपने दिमाग में कोई मतलब बनाते हैं, कोई मीनिंग बना लेते हैं, तो उसे साइन कहते हैं। सपोज आप कोई इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हो गया और वो बोल रहे हैं कि हम आपको कॉल करके बताएंगे, ठीक है। फिर जब आप सेकेंड राउंड के लिए बुलाए जाते हो तो ये एक गुड साइन है, एक साइन है कि मे बी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो सेकेंड इंटरव्यू के लिए कॉल मतलब कि गुड न्यूज। तो यहाँ पे हम सेकेंड इंटरव्यू का कॉल और गुड न्यूज, ये दोनों को एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब कि लिंक कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर आप कोई रेड कलर देख रहे हैं, रेड, तो रेड क्या है? एक साइन है, साइन ऑफ डेंजर। तो रेड कलर हम कहीं भी देखेंगे तो हम उसे किससे एसोसिएट करेंगे, किससे लिंक करेंगे? डेंजर से। इन शॉर्ट, हम कोई भी वर्ड सुन रहे हैं, कोई भी कलर देख रहे हैं या फिर कोई भी इशारा देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना ले रहे हैं। जैसे रेड कलर देखा तो उससे रिलेटेड हमने क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाया? डेंजर का। तो इसे हम साइन बोलते हैं, इस कनेक्शन को, इस लिंक को साइन कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सोशियर, लिंग्विस्टिक साइन इज अ लिंक बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड वर्ड। वर्ड के बदले हम साउंड भी बोल सकते हैं। जब वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? एक साउंड क्रिएट कर रहा है। और जब हम साउंड सुनते हैं, वो वर्ड सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या बनता है? कॉन्सेप्ट बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट और इस वर्ड के लिंक को क्या कहा जाता है? लिंग्विस्टिक साइन। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक वर्ड बोलने जा रही हूँ, ट्री। तो जब आपने ये वर्ड सुना ट्री, तो आपके कान में एक आवाज सुनाई दी, ट्री, लेकिन आपके दिमाग में टी आर डबल ई नहीं दिखाई दिया, बल्कि क्या दिखाई दिया? जो आपके दिमाग में ट्री का कॉन्सेप्ट है, जो इमेज है पेड़ का, वो दिखाई दिया होगा। उसमें हरे हरे पत्तियां दिखाई दी होंगी, स्टेम दिखाई दिया होगा, ब्रांचेस दिखाई दिया होगा, लेकिन टी आर डबल ई नहीं दिखाई दिया होगा। तो लिंग्विस्टिक साइन क्या है? अ लिंक बिटवीन वर्ड एंड कॉन्सेप्ट। वर्ड और कॉन्सेप्ट के बीच में जो जोड़ है, उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक साइन, ठीक है। वर्ड क्या है? साउंड है, साउंड जो हम सुनते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है? जो इमेज हमारे अंदर है, उसे कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो ट्री क्या है? साउंड है, और उसके पत्ते, उसके स्टेम्स, उसके ब्रांचेस, वो सब क्या है? कॉन्सेप्ट। अब ये जो साइन है, ये दो चीज से बना है। साइन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वो क्या है? सिग्निफायर और सिग्निफाइड। सिग्निफायर का मतलब है साइन का फिजिकल फॉर्म, जैसे कि साउंड या फिर कोई वर्ड जो कि प्रिंटेड है, जिसे हम देख पा रहे हैं, ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफायर। और सिग्निफाइड जो है, जो हम साउंड सुन रहे हैं, जो हम वर्ड सुन रहे हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट हम दिमाग में बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सिग्निफाइड। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ले लो ट्रेन। तो जब आप ये वर्ड सुनते हो ट्रेन, जो साउंड आप सुन रहे हो, तो वो क्या है? सिग्निफायर है। और सिग्निफाइड क्या है? इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, उसे हम सिग्निफाइड बोलते हैं। क्या होगा ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट? दैट इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम ट्रेवल कर सकते हैं, इसके अंदर इंजन है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये ट्रैक पर चलता है, ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, वो उसको क्या बोलते हैं? सिग्निफाइड। सो फ्रेंड, आपके कन्वीनियंस के लिए एक शॉर्ट नोट्स मैंने अटैच कर लिया, ताकि आपको थ्योरी क्वेश्चन अगर अटेंड करना है तो आप इसे लिख सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? सोशियर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक साइन। अकॉर्डिंग टू हिम द वर्ड लेबल्स एंड मीनिंग कॉन्सेप्ट्स प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ साइन।
मतलब कि सोशर के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से वर्ड मतलब नेम, लेबल और कॉन्सेप्ट जिसका मतलब होता है मीनिंग, वो क्या प्रोड्यूस करता है? सिस्टम ऑफ साइन। देर इज नो डाउट दैट मैनी ऑफ आवर वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट आर क्लोजली टाइड। When we use the word tree, we also have in mind the corresponding image of tree. जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जब हम कोई भी वर्ड सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्री सुन रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? ट्री का पूरा इमेज बन जा रहा है। फिर आगे वही ट्री का एग्जाम्पल दिया है, लेट अस कंसिडर द इमेज एज द कॉन्सेप्ट ट्री। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्री इंक्लूड अ कॉम्प्लेक्स फीचर मैट्रिक्स विच वुड इंक्लूड अ बार्क, ब्रांचेस, लीव्स एक्सेट्रा। तो हमने पहले ही समझा है कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, ट्री का हर एक पार्ट हमें दिखाई देगा, ट्री का कलर दिखाई देगा, स्टेम, ब्रांचेस, बार्क्स, ये सारी चीजें हमें दिखाई देगी। व्हेनेवर वी सी न्यू ट्री वी डोंट नीड अ न्यू वर्ड फॉर इट, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ये ट्री है। वी यूज द वर्ड ट्री। नोटिस दैट दिस नेमिंग रिलेशनशिप इज आर्बिट्रेरी। इसका मतलब ये है दैट This means there is no reason why a tree should be called a tree but not a bush. हम tree को tree बोलेंगे, bush नहीं बोलेंगे। bush मतलब छोटे plant नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर tree का जो है concept बना हुआ है, तो हम tree को tree ही बोलेंगे। But the speaker of English would never call a tree bush or vice versa. This pairing of the label or name and the concept gives us what is known as linguistic साइन। इसका मतलब वही हुआ जो हमने अब तक समझा कि लिंग्विस्टिक साइन का मतलब है पेयरिंग ऑफ मींस लिंकिंग ऑफ वर्ड विथ कॉन्सेप्ट। दस द कॉन्सेप्ट थॉट ऑफ अ ट्री द साउंड यूज्ड टू अटर दैट वर्ड एंड द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ट्री मस्ट कंस्टिट्यूट अ सिंगल एंटिटी एंड दैट इज लिंग्विस्टिक साइन। सो ईच साइन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया, ईच साइन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। व्हाट इज दैट? सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। व्हाट इज सिग्निफायर? लेबल और नेम, एंड सिग्निफाइड इज द कॉन्सेप्ट। द साइन इज द एसोसिएशन विच बाइंड्स द लेबल एंड कॉन्सेप्ट टूगेदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिए, बहुत ही एफर्ट लगा के वीडियो बना है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी वीडियोज आने वाले हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।